नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, हम क्या करेंगे, जो आपका क्लास 10 का जो है लेसन नंबर 10 है, उसका जो पेज है ना 176, उस पर क्वेश्चन आ रहा होगा. क्वेश्चन इज ऑलरेडी मैंशनड हेयर. अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ओब्लीकली इन टू वाटर. लाइट रे जो है ट्रेवल कर रही थी एयर में, अब उसने किसी एंगल के साथ वाटर में किया एंटर. अब आपको बताना, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. आपको बताना है कि जब कोई लाइट रे एयर से वाटर की तरफ एंटर कर रही है, क्या वो नॉर्मल लाइन की तरफ झुक रही है या वो उससे दूर जा रही है. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर पहले आप ये देखिए. ठीक है, ये हमने क्या, हमने दो मीडियम कंसिडर कर लिए, ड्रॉ करके बताए. ये है एयर, ये है वाटर. ठीक है, इंसिडेंट रे आ रही है. ठीक है, हमने पिछले बार भी जो रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक था उसमें भी यही बताया कि व्हेन अ लाइट रे एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, मींस एयर से वाटर की तरफ आ रही है या एयर से ग्लास की तरफ आ रही है, तो वो जो लाइट होगी इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल. सो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा द राइट रे मूव्स फ्रॉम एयर टू वाटर, एयर से वाटर की तरफ आ रही है. तो क्या होगा, स्पीड ऑफ द लाइट जो है वो डिक्रीज कर चुकी है एंड जो हमारी इंसिडेंट रही है, इंसिडेंट लाइट है, वो बेंड किसकी तरफ हो रही है, नॉर्मल की तरफ. ठीक है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये देखिए डायग्राम. ठीक है, आपको ये डायग्राम अपने आंसर के साथ भी बना सकते हैं. कुछ बच्चों को राइटिंग में प्रॉब्लम आता है, ज़्यादा कुछ नहीं लिख पाते हैं, तो वो अगर ये छोटा सा एग्जाम्पल अगर वो ड्रॉ कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा. तो ये आपको पता लग गया. हाँ, अब देखिए ऑपोजिट क्या होगा, जब कोई लाइट रे वाटर से एयर की तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, इट बेंड्स अवे, वो अवे हो जाएगी. ठीक है, उसका ऑपोजिट हो जाएगा. एयर से वाटर की तरफ आ रही है तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, अगर वाटर से एयर की तरफ वापस जाएगी तो देखना नॉर्मल रे से दूर जाएगी वो लाइट. ठीक है,